हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर के बेसिक कोर्स में आप सबका स्वागत है। कंप्यूटर के बेसिक कोर्स में हम लोग जान रहे थे एमएस पेंट के बारे में। एमएस पेंट में अब तक हमने जाना होम टैब के अंदर जितने भी ग्रुप हैं उन सब के बारे में, और व्यू टैब के अंदर जितने भी ग्रुप हैं उन सब के बारे में हमने जाना। आज हम लोग जानेंगे ये जो फाइल है यानी कि पेंट बटन के अंदर जितने भी ऑप्शंस है उन सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ शेप्स बना लेती हूँ। तो चलिए, शेप बनाने के लिए मैं शेप ग्रुप में आ गई हूँ, और जो भी शेप चाहिए मैं इसे सिलेक्ट करती हूँ अपने माउस से लेफ्ट बटन क्लिक करके, और अपने ड्राइंग एरिया पे माउस को ले आऊँगी और लेफ्ट बटन क्लिक करके मैं उसे इस तरह से खींचूँगी। देखिए मेरा ड्रॉ हो जाएगा। मैं एक और शेप लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, माउस बटन से लेफ्ट बटन को क्लिक करना है और इस तरह से उसे खींचना है। आपको जितना बड़ा या छोटा चाहिए आप ले सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए मैं इसी तरह कुछ और शेप्स बना लेती हूँ। अब मैं इन सब कलर कर देती हूँ। कलर करने के लिए हमें फिल विद कलर की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं उसे सिलेक्ट कर लेती हूँ, और जो कलर आपको पसंद आप वो ले लीजिएगा। तो मैं अपनी पसंद से कलर डाल देती हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा शेप कलर हो चुका है। तो अब हम चाहते हैं जो हमने शेप बनाया उसे हम सेव करना चाहते हैं। तो हम कैसे सेव करेंगे, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ही आप जैसे ही माउस को ले जाइएगा तो यहाँ भी आपको दिख रहा है सेव। आप यहाँ से भी इसे सेव कर सकते हैं, नहीं आप यहाँ पेंट बटन पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ आप नीचे आइएगा, सेव पे क्लिक कर दीजिएगा, और आपको जहाँ भी सेव करना हो, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, म्यूजिक, पिक्चर, वीडियोस, सी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, जी ड्राइव, जहाँ भी आपको सेव करना आप सेव कर सकते हैं। तो मैं इसे पिक्चर पे सेव करूँगी। पिक्चर पे क्लिक करती हूँ, और आपको जिस नाम से भी सेव करना आप यहाँ पे वो नाम दे दीजिए। मैं इसे माही नाम से सेव कर देती हूँ, और यहाँ से सेव पे क्लिक कर दूँगी। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको माही नाम दिख रहा होगा, ये हमारा माही नाम से सेव हो गया है। अब आपको दूसरा पेज चाहिए कुछ और ड्रॉ करने के लिए, तो हम न्यू पेज कैसे लें, तो आप यहाँ पे पेंट बटन पे क्लिक कीजिए, और आपको दिख रहा है यहाँ पे न्यू, उस पर क्लिक कर दीजिए। देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा न्यू पेज ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर भी मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। अब मैं इन्हें भी कलर कर लेती हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने कलर कर लिया। अब आप इसे भी सेव करना चाहते हैं तो आप यहाँ पेंट बटन पर क्लिक कीजिए और सेव पे जाइए, और जो नाम देना आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैं इसे पुनीत नाम से सेव कर देती हूँ। यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देती हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा पुनीत नाम से सेव हो चुका है। इससे पहले जो फ्रेंड्स हमने सेव बनाया उसे ओपन कैसे करें, तो यहाँ पर हम पेंट बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओपन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हमने जहाँ भी पिक्चर सेव किया था, तो मैंने पिक्चर पे अपने पेंट को सेव किया था, पिक्चर पे क्लिक करूँगी। और किस नाम से सेव किया था मैंने, तो मैं यहाँ पे टाइप कर दूँगी, पहले हमने माही नाम से सेव किया था, माही, और यहाँ पे मैं ओपन कर दूँगी। तो देख सकते हैं फ्रेंड, हमने जो माही नाम से सेव किया था वो हमारा ओपन हो चुका है। अब मैं इसी सेव को मैं किसी और नाम से दोबारा सेव करना चाहती हूँ, तो मैं कैसे करूँ, तो देख सकते हैं ये जो सेव बनाया है, यहाँ पे आप पेंट बटन पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आप सेव एज पे क्लिक कीजिए, और आपको तो मैं यहाँ पे दे देती हूँ अनीता, मैं इसे अनीता नाम से सेव कर देती हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड, ये अनीता नाम से हमारा सेव हो गया, और हम जो माही नाम से सेव किया था फ्रेंड्स वो भी हमारा है, देख सकते हैं। तो एक ही फाइल को हम दो अलग अलग नाम से कैसे सेव करें, तो आपने देखा। अब फ्रेंड्स, आप चाहते हैं आपने जो पेंट बनाया है उसे आप प्रिंट करना चाहते हैं, तो कैसे करें, यहाँ पेंट बटन पे क्लिक कीजिए, प्रिंट में अपना माउस को ऑनली लेके जाइए, वहाँ पे क्लिक नहीं करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिंट पे सेटअप प्रिंट प्रीव्यू, तो पहले मैं पेज सेटअप पे क्लिक करती हूँ, और इस पे फ्रेंड्स आपके पेज की मार्जिन लेफ्ट राइट टॉप बटन में कितनी होनी चाहिए यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। तो मेरे चारों ओर
0.5 है, मैं वैसे ही रहने दूंगी, इस पर कोई चेंजिंग नहीं करना चाहती। अगर आपको कोई चेंजिंग करना हो तो आप कर सकते हैं, तो यहाँ से आप ओके कर दीजिए। और आप देखना चाहते हैं कि प्रिंट होने के बाद मेरा पेंट कैसा दिखेगा, तो यहाँ पे आप पेंट पे क्लिक कीजिए, प्रिंट पे जाइए और प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करें, तो देख सकते हैं फ्रेंड आपका पेंट कुछ प्रिंट होकर कुछ इस तरह से दिखेगा। तो आप यहाँ से भी इसे प्रिंट कर सकते हैं, देख सकते हैं फ्रेंड। और यहाँ पे सिलेक्ट प्रिंटर, तो मैं एक बात बताना चाहूँगी फ्रेंड, आप एक कंप्यूटर से एक से ज़्यादा प्रिंटर अटैच करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो भी प्रिंटर होगा यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए, और आपको जितनी कॉपी प्रिंट करना आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक कर, तो आपका प्रिंट निकल जाएगा। हमारा प्रिंटर इस पर लगा हुआ नहीं है, इसीलिए मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी। अब फ्रेंड्स, आपने जो पिक्चर बनाया है आप चाहते हैं कि वो हमारे वॉलपेपर में या डेस्कटॉप बैकग्राउंड में कैसे सेट करें, तो आप यहाँ पेंट बटन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, यहाँ पे आप ओनली माउस को लेके जाइए और यहाँ पे आपको फील या टाइटल या सेंटर, तो वे यहाँ पे सेंटर यानी, तो देख सकते हैं डेस्कटॉप बैकग्राउंड में आज लग चुका है। इससे पहले मेरा बैकग्राउंड कुछ और था। यहाँ एक और आपको ऑप्शन दिख रहा होगा फ्रेंड, प्रॉपर्टीज़, इस पर जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं विड्थ और हाइट, मतलब आप अपने पेज की विड्थ और हाइट को कितनी होनी चाहिए वो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1200 है, तो मैं इसे कर देती हूँ 1000 और मैं यहाँ पर ही कर देती हूँ 500 और ओके पे क्लिक कर देती हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारे पेज की लंबाई और चौड़ाई दोनों कम हो चुकी है, तो आप देख सकते हैं। अब हमें इससे बाहर आना है, तो कैसे आए, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो आपको, आप यहाँ से भी इसे क्लोज कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पेंट बटन पे क्लिक कीजिए और यहाँ जो एग्ज़िट इस पर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मुझसे पूछा जा रहा है मैंने जो भी चेंज किया है क्या मैं उसे सेव करना चाहती हूँ, अगर आप सेव करना चाहे तो सेव, अगर आप सेव नहीं करना चाहते हैं तो डोंट सेव। तो मैं इसे सेव नहीं करना चाहती हूँ, मैंने जो भी चेंजिंग किया इसीलिए मैं यहाँ पर डोंट सेव कर दूँगी। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हम लोग बाहर आ चुके हैं, मैंने अपना डेस्कटॉप का बैकग्राउंड चेंज कर दिया इसीलिए चेंज है, वरना आपने जो पेंट बनाया जो आप सेव कीजिए वही आपको यह दिखता। मैंने जितने जो भी कुछ बताया फ्रेंड उन सब की मदद से आप इस तरह का सेव बना सकते हैं। मैंने इसे कैसे बनाया है इसकी भी मैंने वीडियो डाल दिया है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो मैंने कुछ और बनाया है, मैं उसे भी आपको दिखाती हूँ, देख सकते हैं फ्रेंड आप भी इस तरह का बना सकते हैं। इन सारे टूल्स, शेप्स, कलर, इन ऑप्शन की मदद से आप भी इस तरह का पेंट बना सकते हैं जो मैंने बनाया है। मैंने इसे कैसे बनाया है इसकी भी मैंने एक वीडियो डाल दी है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं कि मैंने इसे कैसे बनाया है। अब तक हमने जो भी कुछ प्रैक्टिकल किया है फ्रेंड उन सब का मैंने थियोरेटिकल यहाँ पे डाल दिया है, आप इसे नोट डाउन करके रखना चाहते हैं तो नोट डाउन करके रख सकते हैं, देख सकते हैं फ्रेंड। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।